राज्य सरकार के आदेश पर स्कूल शुरू करने का आदेश शिक्षकों को मिला। नियमों के साथ स्कूल चलाए जाएंगे, लेकिन वाड़ी के जिला परिषद प्राथमिक स्कूल नंबर 1 व 2 पर सरकारी कार्यालयों ने कब्जा करने से स्कूली बच्चों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिला परिषद स्कूल नंबर 2 में आधार केंद्र, पटवारी व तलाटी कार्यालय तथा वैक्सीनेशन सेंटर है। आज से शुरू हो रही स्कूल के बच्चे कहां और कैसे पढ़ेंगे, यह सवाल उठ रहा है। साल भर से स्कूल बंद होने से यहां पर करीब 3 कमरों में कार्यालय चल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने स्कूल को खोलने के आदेश जारी किए हैं। अब स्कूल में सरकारी कार्यालय भी चलेगा और स्कूल भी, ऐसे में बच्चों की कैसी सुरक्षा होगी, यह सवाल शिक्षकों ने किया। तीनों कार्यालय हटाने की मांग शिक्षकों ने की है। बताया गया कि आधार केंद्र को शुरू करने जिला परिषद मुख्याधिकारी कुंबेशकर ने शिक्षकों को आदेश देकर कमरा देने को कहा है। वहीं नगर परिषद मुख्याधिकारी ने वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। साथ ही तहसीलदार ने स्कूल में मंडल अधिकारी तथा तलाटी कार्यालय शुरू किया है। यहां पर रोजाना सैकड़ों की तादाद पर रोजाना भीड़ जमा होने से स्कूल के बच्चे असुरक्षित होंगे। तीनों कार्यालय शुरू रहे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए समस्या निर्माण होंगी। दिन भर लोगों का आवागमन होने से बच्चों को पढ़ने में टीचरों को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। बुधवार को शुरू होने वाले स्कूलों को कब सैनिटाइजर करेंगे? स्कूल को सैनिटाइज नहीं होने से जिला परिषद अपर प्राइमरी स्कूल वाड़ी की छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। पिछले सालों से जिला परिषद स्कूल मानो आम लोगों के लिए खुला हुआ है। स्कूल के बिल्डिंग में पटवारी, आधार और आरोग्य डिपार्टमेंट के कार्यालय स्थापित होने से स्कूल के छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। हर कोई नागरिक लापरवाही से अपने वाहन स्कूल के अंदर पार्किंग करता है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इस समस्या की ओर नप मुख्याधिकारी की अनदेखी होने का आरोप शिक्षकों ने लगाया। स्कूल में चल रहे कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर स्कूल को मुक्त कर समस्या पर अब जिलाधिकारी आर विमला ने ध्यान देने की मांग जाग संगठन के सौरभ पाटिल ने की। रजनी पुरुषोत्तम चौधरी, जिल्हा परिषद शाळा वाडी, उच्च प्राथमिक शाळा वाडी, केंद्र वाडी, तालुका नागपूर, जिल्हा नागपूर येथील उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक आहे। माझ्या शाळेच्या आवारामध्ये लसीकरण केंद्र सुरू आहे आणि त्याच्यामुळे या शाळेच्या आवारामध्ये अतिशय वाहनांची आणि लोकांची गर्दी रोजच असते। तसेच इथे आधार केंद्रसुद्धा आहे, त्यामुळे तिथे पण लोकांची गर्दी असते आणि नगर परिषदच्या पटवाऱ्याचं ऑफिससुद्धा इथे आहे। त्याच्यामुळे ही शाळा नसून कार्यालय आहे की काय, असंच मला वाटते। आणि माझ्या विद्यार्थ्याचं भवितव्य आणि त्याची जबाबदारी जी आहे माझ्यावर, ती धोक्यात असल्यासारखी आहे। कारण मुलं आवारात खेळत असतात, एखादी वाहन जर चुकून त्यांच्यावर आलं तर याला शाळा जबाबदार राहील का, असं मला वाटते। आणि सतत मी त्या धास्तीमध्ये आहे, तर कृपा करून शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि इथून लसीकरण केंद्र दुसरीकडे हलवण्यात यावं आणि जे काही आधार केंद्र आहे, पटवाऱ्याचं ऑफिस आहे, हे सुद्धा दुसरीकडे देण्यात यावं अशी माझी शासनाला विनंती आहे। तसेच या शाळेमध्ये इथे सगळेच आजूबाजूला गोडाऊन असल्यामुळे या शाळेच्या परिसरात असामाजिक तत्वाचा इथे फार गैरवापर होत असतो। म्हणजे इथे दारू पिणारे येतात, शाळेमध्ये घाण करून ठेवतात, बाटला फोडून ठेवतात, त्याच्यामुळे रोजच इथे असा परिसराचा अस्वच्छ आम्हाला पाहायला मिळतो आणि भीतीसुद्धा वाटते आम्हा भगिनींना की शाळेत जाऊ की नाही जाऊ, कारण कुठे बडून लपून बसलेले तर नाही या लोक, त्याच्यामुळे शाळेत याची सुद्धा आम्हाला भीती वाटते। याकडे सुद्धा शासनाने विशेष लक्ष देऊन सुरक्षा व्यवस्थापक नेमावा अशी माझी विनंती। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।